आज मैं इस वीडियो में आपको वर्चुअल असिस्टेंट का लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि किस तरह आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करके अर्निंग कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड तक इस वीडियो को वॉच करना है और अगर आपको अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक करना है और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। चले फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट भी इसको कहते हैं। इसमें यह होता है कि आपको किसी आदमी के साथ काम करना होता है, जो टास्क आपको कहेगा वो आपने परफॉर्म करने होते हैं, उसका जो टारगेट होता है वो आपने अचीव करना होता है। फॉर एग्जांपल वो ये कह सकता है कि मैं ईमेल कलेक्ट कर रहा हूं और आप इनको तरतीब के साथ लगाते जाएं, या वो ये कह सकता है कि आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड करते जाएं, जिसका रिस्पांस आए तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं खुद इससे डील करूंगा। फ्रेंड बहुत ही आसान होता है, वो आपको 4 घंटे के लिए 8 घंटे के लिए हायर कर सकता है। उसकी पेमेंट कम से कम $5 होती है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप $10 या $20 पर घंटे के हिसाब से आप कमा सकते हैं। ये तो हुआ डेटा एंट्री का वर्चुअल असिस्टेंट। इसके अलावा अगर आप वर्डप्रेस की स्किल रखते हैं या वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं तो इसके लिए भी आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसमें आपने प्लगइन हैंडल करने होंगे और थीम्स चेंज करने होते हैं। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल्स रखते हैं तो इनके लिए भी आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इनमें आपको प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं और मुख्तलिफ और भी टास्क जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सेल करने के साथ साथ आपको कमीशन भी मिलता है और जो पेमेंट होती है वो भी मिलती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो बोनस भी आपको दिया जाता है। इस काम में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, इसके बारे में भी मैं आपको कम्प्लीटली सिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो आप इस पे काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट का डेमो जो है वो देखते हैं। जो बायर था उसका ID जो है वो CLS होलसेलर के नाम से बनी हुई है, आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। यूनाइटेड स्टेट से जो है वो ताल्लुक रखता है। सबसे पहले मैंने इसको ऑफर जो है वो सेंड की थी, मैं आपके साथ जो है वर्चुअल असिस्टेंट काम जो है वो कर सकता हूँ। फिर इसने मुझे मैसेज पे जो है वो टेक्स्ट किया, वहाँ पे उसने पूछा कि आप कितनी देर जो है वो कितने घंटे जो है वो मेरे साथ काम कर सकते हैं। मैंने कहा 4 से 6 घंटे जो है वो आपके साथ काम जो है वो कर सकता हूँ। इसने कहा गुड, फिर मैं आपको जो है वो एक लिंक जो है वो सेंड करता हूँ, आप वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो लें। वहाँ पे वीडियो थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह आपने जो है वो काम की तमाम डिटेल जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, किस तरह काम जो है वो आपने सारा अंजाम देना है। और उसके बाद उसने कहा कि आपने मुझे बताना है कि आप ये काम जो है वो कर सकते हैं या नहीं। मैंने फिर उसको रिस्पॉन्स किया, यस आई डू योर वर्क वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे तरह से जो है वो काम कर सकता हूँ। उसके बाद उसने कहा ओके कूल, फिर मैंने उसे रिप्लाई किया हाउ आर यू। उसने फिर बाद में कहा कि हेलो सॉरी फॉर द लेट रिप्लाई, और उसने मुझे जो है वो लॉगिन पासवर्ड दे दिया कि आप इस साइट पे जो है वो आप इंटर हों और अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। फ्रेंड देखें ये साइट जो है वो ओपन हुई हुई है। उसके बाद उसने जो वीडियो में बताया था कि किस तरह आपने काम करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है, वहां पे हमने काट दिया। उसके बाद उसने बताया था कि आपने अपना फोल्डर जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। रीसेट फिल्टर करना है। उसके बाद उसने बताया था कि आपने जो है वो यहाँ पे ग्रास ROI पे आना है, इस पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसकी वैल्यू यहाँ से आपने 30 और यहाँ पे आपने जो है वो 400 कर देनी है, अप्लाई कर देना है इस पे। और साथ जो ग्रास प्रॉफिट है इसकी जो एरो है उसका आपने ऊपर जो है वो तीर जो है वो ऊपर।
ऊपर हो गया जाए देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके जो है वो क्लिक कर देना है। आपको जो है वो प्राइस शो हो रही होगी, इसकी प्राइस जो है वो 2.47 डॉलर जो है वो लिखी हुई है, यहाँ पे भी यही लिखी हुई है। अगर यहाँ पे कुछ फर्क होता तो फिर हम इसको क्या कर देते, चेंज कर देते। यही प्राइस जो है वो हमने सर्च करनी है, देखनी है, और उसके बाद हमने क्या कर देना है, उसको चेंज कर देना है। अब यहाँ पे देखें इसकी जो अमेजोन की जो प्राइस है वो कितनी है, 10.76 है, और यहाँ पे कितनी दी हुई है, 86। इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे टिक पे जो है वो क्लिक कर देंगे, ये चेंज हो गई। अब हम क्या कर देंगे, एक प्राइस जो है वो सेम थी जो हमने चेंज नहीं की, जो अमेजोन की थी वो जो उसका डिफरेंस था वो हमने चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कॉपी टू फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आ गया कि कॉपी यूअर सेव फोल्डर, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गई है, सक्सेसफुली सेव हो गई। यही काम है कि हमने जो है बहुत ही आसान है, हमने चीज़ों का जो है वो सर्च करना है, उनकी जो प्राइस है वो देखनी है, अगर उसमें कुछ चेंजिंग आई हुई है तो वो हमने न्यू प्राइस जो है वो एडजस्ट करके उसको हमने सेव कर देना है। फ्रेंड्स ये काम था जो आपको बताया कि किस तरह जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट एज ए डेटा एंट्री आप जो है वो काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान था, आपने बहुत कुछ जो है सीखा होगा। आप लाजमी से जो है वो अपनी गिग जो है वो क्रिएट करें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट की, और ऑफर जो है वो सेंड करें। लाजमी से आप जो है वो अपने क्लाइंट को ढूंढ लेंगे, आपको काम जो है वो मिल जाएगा, ऑर्डर जो है वो आपको मिलते रहेंगे। जो गिग है किस तरह जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे जो है वो अपलोड कर दी है। वहाँ से आप देखकर जो है वो प्रॉपर तरीके से किस तरह जो है वो आप अपनी गिग जो है वो बना सकते हैं, वो भी आप लाजमी से जो है वो बनाएं। कम से कम जो है वो 5-6 गिग जो है वो आप लाजमी बनाएं, जिस जिस में आपको एक्सपीरियंस हो तो आप लाजमी जो है वो क्रिएट करें, और अपने ऑर्डर जो है वो लेकर अपनी अर्निंग जो है वो आप कर सकें।